वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने बात कर रहे हैं त्रिविमय रसायन का नेक्स्ट पार्ट और अपने टॉपिक पढ़ेंगे किरेलता व किरेल अणु। ये टॉपिक अपने को तब समझ में आएगा जब अपने इससे पहले वाला भाग करेंगे। मैं थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ एक लाइन वहीं से, ये किरेलता और किरेल अणु का अपने को पता लगता है। देखो, अपनों ने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था सममिति तत्व पाए जाते हैं, पढ़ा था सममिति के तत्व, ध्यान में होगा कौन कौन सी पढ़ी थी सममिति तत्व, सममिति तल, एक और कौन सा पढ़ा था अपनों ने सममिति अक्ष या सममित अक्ष भी बोल सकते हो इसको, सममिति केंद्र, अगर किसी भी अणु में या यौगिक में ये सममिति तत्व उपस्थित हो तो मैंने तुम्हें बताया था वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करते, और जो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करते वो प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित नहीं करते। अब आते हैं जिनमें ये अनुपस्थित हो, जिन यौगिकों में ये अनुपस्थित होते हैं, मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूं इधर की तरफ अनुपस्थित, अगर ये सममिति तत्व अनुपस्थित हो तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उस अणु को अपने क्या बोलेंगे, असममित अणु। कौन से अणु बोलेंगे उसको, असममित अणु। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो वह अणु जिसमें क्या होते हैं ये सममिति तत्व उपस्थित नहीं होते उन्हें अपने क्या बोलते हैं, असममिति अणु। असममित अणु होते हैं वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब जो असममित होते हैं वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। और ये असममित अणु की खास बात क्या होती है, इधर कर देता हूं मैं थोड़ा अपनी तीर को, ये असममित अणु दर्पण प्रतिबिंब पर, दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते, ये असममित अणु क्या होते हैं दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते, इस प्रकार के अणु को अपने कौन सा अणु बोलते हैं, किरेल अणु। और इस गुण को अपने क्या बोलते हैं, जो किरेल अणु गुण रखते हैं, इस गुण को रखने वाले को, किरेल अणु रखने वाले गुण को अपने क्या बोलते हैं, किरेलता। ये पैराग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा पूरी बातें क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अब आप क्या परिभाषा का रट्टा मत लगाना, सीधा सा यहां से पता लग रहा है, वे असममित अणु जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, किरेल अणु कहलाते हैं। और वह अणु जिनमें किरेल का गुण पाया जाता है, ये गुण पाया जाता है, उस गुण को अपने क्या बोलते हैं, किरेलता। किरेल अणु कहते हैं और इस गुण को अपने क्या बोलते हैं, किरेलता। तो समझ में आ गया, सममिति के तत्व अनुपस्थित होते हैं उसको अपने असममित अणु बोलते हैं, असममित अणु दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते इसको अपने क्या बोलते हैं, किरेल अणु। और किरेल अणु के इस गुण को अपने क्या बोलते हैं, किरेलता। आगे बात समझ में, इसका अगर अपने किरेल वस्तुओं से एग्जाम्पल ले, उदाहरण ले किरेल वस्तुओं से, तो आपको जितने भी बुक में देखोगे ना उसमें हाथ वाला एग्जाम्पल मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे हाथ नहीं बनाऊंगा, एक्चुअली मेरे पास हाथ है तो देखो भी, जैसे अपने पास ये हाथ और ये हाथ, लेफ्ट और राइट हैंड है मेरे पास, देखो। अब इन दोनों हाथ को देखो आप इधर की तरफ, क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि इन दोनों के बीच में एक दर्पण है, लग रहा है इन दोनों के बीच में एक दर्पण है?
आगे क्या, तो वे अणु जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो तथा इनके दर्पण प्रतिबिंब, ध्यान से सुनना, एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हो, दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हो, इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब मैं इनको अध्यारोपित कर रहा हूँ, क्या ये एक के दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे सर, नहीं हो रहे, आगे क्या बात समझ में। तो कहोगे सर फिर अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, अध्यारोपित का मतलब होता है जैसे ये उंगली है, इस उंगली के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, ये देखो सेम आ गई ऐसी, एक दूसरे पे अध्यारोपित होगी, उसको अपने क्या बोलेंगे, अध्यारोपित होना, आगे क्या बात समझ में। तो ऐणे का मतलब होती है वे वस्तुएं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो परंतु दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते हो, उसको अपने क्या कहते हैं, किरेल वस्तुएं कहते हैं, और इस प्रकार के अणु को अपने क्या कहते हैं, किरेल अणु कहते हैं, और इस गुण को अपने क्या कहते हैं, किरेलता कहते हैं। यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट हो गई, अब अपने बात करते हैं उदाहरण की, ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा प्रोसीजर, आगे देखोगे। अपने क्या पढ़ रहे हैं, किरेल, परिभाषा होगी ऐसे असम्य तनु जो दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते, उस तनु को अपने क्या कहते हैं, किरेल अणु। आगे क्या बात समझ में, अब देखो अपने उदाहरण लेते हैं, अब अणु की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के उदाहरण लेंगे, आगे क्या बात समझ में। हाँ घर पे दे सकते हो आप किरेल वस्तु में, जैसे जुराब लेना, अपनी जुराब को ऐसे करना, अध्यारोपित नहीं होगी। आगे क्या बात समझ में, आगे देखो अब अपने किरेल अणु में उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले लैक्टिक एसिड का, हाँ हिंदी मीडियम है, लैक्टिक अम्ल, अब अपने देखो इधर की तरफ क्या होता है, लैक्टिक अम्ल की स्ट्रक्चर्स, एक तरफ कार्बन होता है, ऊपर की तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या होता है COOH, नीचे की तरफ क्या होते हैं अपने इधर की तरफ मैथिल ग्रुप CH3, ठीक है, एक OH होता है इधर की तरफ, एक H होता है इधर की तरफ। सबसे पहले अपने लैक्टिक अम्ल का दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, क्या हो जाएगा लैक्टिक अम्ल का दर्पण प्रतिबिंब, देखो दर्पण प्रतिबिंब में अपने को दिखाई क्या देगा, इधर वाला जो COH ग्रुप है वो वैसे का वैसे दिखाई देगा, CH3 ग्रुप भी अपने को वैसे का वैसे दिखाई देगा, चेंजेस क्या आएंगे वो देखो, इधर की तरफ हो गया कार्बन, इधर की तरफ मैंने क्या कर दिया OH ग्रुप, और इधर की तरफ आ जाएगा H ग्रुप, आगे बात समझ में, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा COOH, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा CH3, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, क्या ये दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रहे हैं, नहीं हो रहे, इसका मतलब लैक्टिक अम्ल होता है वो एक किरेल अणु होता है, और किरेल अणु का मतलब क्या हो जाएगा, जो ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करता है, और ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करने का मतलब क्या हो गया, जो प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करता है। आगे क्या बात समझ में, अब अपने देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेता हूं यहां पे देखिए सी, ये एग्जांपल है गिल्स रेल्डिहाइड, देखो भाई अब कहोगे सर कैसे बनाते हो ये संरचना, कैसे पता लगता है ये ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण गुणकता की संरचना के अध्ययन से पता चला इनमें एक कार्बन में खास बात होती है जो ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करते हैं, इन कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, कहने का मतलब कम से कम उनमें से एक कार्बन ऐसा होता है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती है। अगर मैं यहां पे कार्बन की बात करूं तो कौन सा कार्बन होता है, आप देखो इसमें ऐसा कौन सा कार्बन है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न है,
इधर की तरफ सी डबल बॉन्ड हो दोगे एक जैसे, मगर डबल बॉन्ड हो गया, मगर sp3 होना चाहिए, इसमें ये हो ही नहीं रहा। इस कार्बन में देखो तीन हाइड्रोजन समान हो गए, चारों वैलेंसी, चारों संयोजकताएं, तीन हाइड्रोजन समान हो गए, नहीं हो गए। इस कार्बन की तरफ देखो आप, इस कार्बन में एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है COH ग्रुप, इधर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है CH3, इधर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है H, इधर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है OH। तो ध्यान से देखिए इस कार्बन को, इसकी चारों संयोजकताएं क्या है, भिन्न भिन्न है, और इस कार्बन को अपने कहते हैं किरेल कार्बन, किरेल अणु में पाया जाने वाला कार्बन। कौन सा कार्बन हो जाएगा? किरेल कार्बन। और इस केंद्र को अपने बोलते हैं किरेल केंद्र, एक प्रकार का किरेल कार्बन ही होता है किरेल केंद्र। तो इसके बहुत सारे नाम है, या तो अपने किरेल केंद्र बोल दो, या इसको अपने क्या बोलते हैं हिंदी में, एक बहुत अजीब सा नाम है वो भी लिख रहा हूँ, त्रिविम्जनिक केंद्र। त्रिविम्ब में समाविता प्रदर्शित करता है ना ये केंद्र, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, त्रिविम्जनिक केंद्र। तीसरी क्या खास बात है, एक नाम और है इसका, बताओ क्या होना चाहिए तीसरा नाम, अगर अपने देखे पूरा समझा है, असममित कार्बन परमाणु। तो यहां पे अपने को समझ में आ रहा है बहुत कुछ, देखिए ध्यान से, किरेल अणु में पाया जाने वाला ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसा असममित कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, किरेल कार्बन। किरेल कार्बन को क्या बोलते हैं, किरेल केंद्र। इसका एक नाम और है, ये या लगा देता हूं मैं आपको ध्यान में रहे, ये सारे या है, आगे बात समझ में, त्रिविम्जनिक केंद्र, असममित कार्बन परमाणु, अणु परमाणु, ठीक है, आगे बात समझ में, आगे देखोगे हो गया। अब इसमें भी देखो, अपनों ने नेक्स्ट एग्जांपल लिया था गिल्स रेल्डिहाइड का, गिल्स रेल्डिहाइड की तरफ ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा कार्बन परमाणु है जो किरेल केंद्र है, हाँ भाई इधर की तरफ देखो एच और ओ, डबल बॉन्ड लग गया, आप स्ट्रक्चर देखो, डबल बॉन्ड का मतलब इसमें नहीं पाई जाएगी त्रिविम समावेता, कहने का मतलब यह है sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 संकरित होना चाहिए कार्बन परमाणु। अब आगे देखो इस कार्बन की तरफ, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है OH है, CHO है, H और CH2OH। ध्यान से देखिए इस कार्बन परमाणु को, इस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न है, और इस चारों संयोजकता के भिन्न भिन्न के आधार पर अपने कह सकते हैं ये भी एक प्रकार का क्या होता है, किरेल अणु होता है, और इसी किरेल अणु को ही अपने कौन सा अणु बोलते हैं, आगे क्या बात समझ में, इसमें जो कार्बन परमाणु है किरेल कार्बन। अब दूसरी बात, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, अपने को कैसे पता लगेगा संरचना में अब ये किरेल कार्बन है, संरचना देखते इसके जो कार्बन है ना उसको अपने स्टार से प्रदर्शित करते हैं, ऐसी ऐसा सिंबल होगा, इसका मतलब वो कौन सा केंद्र है, किरेल केंद्र या किरेल कार्बन, आगे क्या बात समझ में, यानी प्रॉब्लम्स। और उदाहरण लेते हैं, आप घर पे भी बना सकते हो, देखो जैसे मैंने इधर ले लिया CH3 CHOH, इधर की तरफ ले लिया CH2 CH3, बताइए मुझे कौन सा कार्बन परमाणु किरेल कार्बन परमाणु है इसमें, देखो ध्यान से कौन सा कार्बन परमाणु है। अगर अपने इस कार्बन परमाणु की तरफ देखें तो इस कार्बन परमाणु में तीन समान समूह जुड़े हुए हैं, तीनों हाइड्रोजन परमाणु, इसके कारण अपने कह देंगे ये तो किरेल कार्बन नहीं है, आगे क्या बात समझ में, ये नहीं है। अब अपने नेक्स्ट कार्बन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट कार्बन पे चार समूह है, देखो मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। इस कार्बन में देखो एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है OH समूह है, तीसरी तरफ देखो क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन समूह है, और चौथी तरफ इसको अपने कौन सा बोलते हैं एथिल समूह है। इसका मतलब इस संरचना में अपने देखते हैं तो अपने को किरेल कार्बन या किरेल के अंदर कौन सा दिखाई दे रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर देंगे स्टार से, क्या ये कार्बन है किरेल केंद्र या किरेल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन समान समूह जुड़े हुए हैं, इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन समान है, आगे बात समझ में। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, इसको अपने नाम क्या बोलेंगे, ब्यूटेन टू ऑल, दो नंबर पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अपनों ने 11th में पढ़े थे इसके IUPAC नाम, ठीक है अपने चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कितने एग्जाम्पल कर लिए अपनों ने, वन एग्जाम्पल
टू एग्जाम्पल। अब अपने आते हैं नंबर थ्री और अब अपने आते हैं फोर नंबर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। देखो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आलू अपने बना रहे हैं, जैसे मैंने इधर लगा दिया एक कार्बन, मुझे चार समूह भिन्न भिन्न लगाने, आप घर पे बना सकते हो। चलो मैंने एक तरफ लगा दिया बी आर, सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए ध्यान रखना भी। एक तरफ मैंने लगा दिया ओ एच, एक तरफ मैंने लगा दिया सी एच थ्री, दूसरी तरफ मैंने लगा दिया सी टू एच फाइव, बन गया ना। हाँ भाई बन गया, एसमिक कार्बन परमाणु कौन सा होता है, एसमिक कार्बन परमाणु, ये चारों भिन्न भिन्न समूह लगा दिए, तो ये हो गए उदाहरण। आप घर पे भी बना सकते हो, बहुत सिंपल है, जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हो। और क्रियल अणु ही क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जितने भी अपनों ने उदाहरण पढ़े हैं ना, वो ऐसे उदाहरण हैं जिनमें एक क्रियल केंद्र उपस्थित होता है। अब अपने बात करेंगे ऐसे उदाहरण की जिनमें दो क्रियल केंद्र उपस्थित होते हैं। ऐसे उदाहरण जिनमें कितने क्रियल केंद्र उपस्थित होते हैं, दो। देखो भी आप पहचानोगे, देखो सी एच थ्री सी, एक तरफ मैंने लगा दिया एच, इधर की तरफ मैंने कर दिया क्लोरीन, फिर आ जाएगा सी, इधर की तरफ कर दिया एच, इधर की तरफ क्लोरीन, फिर मान लो इधर लिख दिया मैंने सी ओ एच। आगे बात समझ में, अब मुझे ये बताओ क्या ये कार्बन क्रियल केंद्र कार्बन है। हाँ भाई, क्या क्रियल कार्बन है ये, तीन हाइड्रोजन समान समूह है ये, नहीं है भाई। हाँ भाई ये नहीं है। अब बताओ ये वाला कार्बन है क्या, एक तरफ लगा हुआ है सी एस थ्री, दूसरी तरफ ये एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इधर की तरफ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर ये, तो इस कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हैं। इसका मतलब ये कार्बन परमाणु, इसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कौन सा कार्बन है, क्रियल कार्बन या क्रियल केंद्र। अब इसमें इस कार्बन की तरफ देखो, एक तरफ ये समूह हो गए, एक तरफ ये हो गए, एक तरफ ये हो गए, एक तरफ ये, इसके भी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न हैं। तो इसका मतलब अपनों ने इधर से स्टार लगाया, ये भी कार्बन कौन सा होता है, क्रियल कार्बन होता है। तो ऐसे यौगिक जिनमें दो क्रियल केंद्र हो उसको अपने क्या बोलते हैं, द्विक्रियल केंद्र युक्त यौगिक। अब इसको भी दो भागों में बांटा गया, आपके सिलेबस में दो क्रियल केंद्र वाले यौगिक है। आगे एक क्रियल केंद्र के उदाहरण हो गए, आरबीएससी सिलेबस की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है जिनमें दो क्रियल केंद्र हो, जैसे ये उदाहरण लिखा, तो इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो आगे पढ़ेंगे वैसे ही बता रहा हूँ। एक नंबर कार्बन है उसको ऊपर लिखेंगे, एक नंबर कार्बन कौन सा आ गया, ये वाला, इधर की तरफ आ जाएगा सी, इधर की तरफ सी एल, इधर की तरफ हाइड्रोजन, इधर की तरफ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना देखेंगे इसको, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आगे वाला टॉपिक अपने एच, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी एच थ्री। आगे बात समझ में, दो क्रियल कार्बन कौन से इसमें, एक तो ये वाला है और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ऐसे कौन से ऐसे क्रियल केंद्र को क्या बोलते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें दोनों किरेल केंद्र पर, ये दोनों कौन कौन से समूह हैं, दो असमान समूह हैं, तो इसको बोलते हैं दोनों किरेल केंद्र पर असमान समूह हैं। तो इसमें दो किरेल केंद्र को और अपने कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों तरफ समान समूह करते हैं उसको अपने बोलेंगे दोनों किरेल केंद्र पर समान समूह उपस्थित। तो यहाँ पे एक तरफ सी ओ एच है, दूसरी तरफ भी मैं क्या कर दूंगा सी ओ एच, तो क्या आ जाएगा, इधर की तरफ क्लोरीन, इधर की तरफ हाइड्रोजन, ऊपर मैंने कर दिया सी ओ एच, नीचे की तरफ गया फिर आ जाएगा इधर की तरफ क्लोरीन, इधर की तरफ एच, इधर की तरफ क्या आ जाएगा सी ओ एच। इनको अपने बोलते हैं दोनों क्रियल केंद्र, एक तो क्रियल केंद्र ये हो गया भाई साहब और एक क्रियल केंद्र हो गया ये, तो इसको अपने बोलेंगे दोनों क्रियल केंद्र पर समान समूह है। क्रियल केंद्र कैसी, देखो इस कार्बन पे ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग और ये वाला ग्रुप अलग, इस कार्बन पे और कोई सही कार्बन इसमें क्रियल केंद्र नहीं है।
तो अपने ये टॉपिक अपने नेक्स्ट होंगे, पहले अपने पढ़ेंगे दोनों किरेल के अंदर पर असमान समूह उपस्थित हो, और नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे उससे दोनों किरेल के अंदर पर समान समूह उपस्थित हो। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक है दो किरेल के अंदर युक्त यौगिक। दो प्रकार की परिस्थितियां बनती है दो किरेल के अंदर में, एक तो कौन सी बनती है, दोनों किरेल कार्बन पे असमान समूह है, इस पे COH ग्रुप है, इस पे कौन सा ग्रुप है CH3। और दूसरी परिस्थिति कौन सी बनती है, दोनों जो किरेल कार्बन अपनों ने लिए हैं दोनों किरेल कार्बन पर क्या आ जाएंगे, असमान समूह है। एक तरफ अपनों ने कौन सा लिया है COOH ग्रुप, और दूसरी तरफ अपनों ने भी क्या ले लिया, सेम ले लिया COOH ग्रुप। अगर अपने इसके नेम की बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ भाई, एक नंबर कार्बन कौन सा हो गया, ये 2, 3, 4, आगे क्या 2,3-डाई क्लोरो, कितने कार्बन है 4, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसको अपने क्या बोलते हैं बताओ, इसका बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बायोलॉजी वालों को पता होगा, टार्ट्रिक अम्ल। इसको अपने कौन सा बोलते हैं, टार्ट्रिक अम्ल। तो ये हो गए अपना कंप्लीट किरेल अणु व किरेलता। अगले पार्ट में अपने पढ़ेंगे पहला टॉपिक दोनों किरेल के अंदर पर असमान समूह उपस्थित हो, फिर अपने पढ़ेंगे दोनों किरेल के अंदर पर समान समूह उपस्थित हो। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।